नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन कब आएगा, लाखों विद्यार्थियों का एक ही सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके नोटिफिकेशन एग्जाम डेट को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 जुलाई नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें कि नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार से बात करते हुए सीबीएसई बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने बयान दिया है कि जो नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह में लगभग 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी जो परीक्षा का आयोजन है दोस्तों वो जुलाई में ही तय है, क्योंकि अब कोरोना का दोस्तों जो है प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है कि अभी एग्जाम को बार बार डिले करना पड़े और एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आपका डाउट क्लियर कर दूं दोस्तों, ऑफलाइन ही परीक्षा का आयोजन होगा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित होने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अपडेट ये भी आ रही है कि जो तीसरा पेपर है उसको इसमें काउंट करके यानी कि तीसरा पेपर और बढ़ाया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार नई शिक्षा नीति को लागू करने के ऊपर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि तीसरा पेपर कक्षा 9 से 11वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए नया सीटेट कराने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका दोस्तों क्लियर तो दोस्तों 1-2 दिन में हो जाएगा कि आपका तीसरा पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आपकी जो दोस्तों सिलेबस है तीसरे पेपर का, वो अलग से जारी किया जाएगा। दोनों पेपरों का सिलेबस तो आपका वही रहने वाला है दोस्तों। तो सीटेट को लेकर आप सबके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। फाइनली ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल के आसपास चालू होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार एग्जाम डेट को लेकर भी बात करेंगे दोस्तों। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, पूरा शेड्यूल कि आपकी एग्जाम कब होगी, कब तक आपकी एडमिट कार्ड आएंगे, कब आपका जो है रिजल्ट आएगा एग्जाम का, पूरी जानकारी शेड्यूल में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल माह में ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन भी अप्रैल में ही आएगा और जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो सीटेट की दोस्तों जो परीक्षा है वो इस बार लगभग 40 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होने की अपडेट है कि 40 लाख से ज्यादा छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए एक नोडल एजेंसी अलग से नियुक्त की गई है जो आवेदन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का कार्य करेगी। और परीक्षा तो आपका सीबीएसई बोर्ड ही करवाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो नोडल एजेंसी के द्वारा भरे जाएंगे। तो सीटेट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आपका सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि 9 मार्च 2022 को सीटेट का रिजल्ट आया था, उसके बाद जुलाई नोटिफिकेशन का इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। सीटेट की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।